कोरोना वायरस ने पूरे देश में पैर पसार लिए हैं। महामारी बन चुके इस खतरनाक वायरस ने अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जबकि 140 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफे का कारण तबलीगी जमात के लोगों को बताया जा रहा है। उधर कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों पर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि इस बात की भी समीक्षा की जाए कि मरकज से जुड़े लोगों को वीजा किसने और क्यों दिया। अखिलेश ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लोगों पर उठ रही उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, समीक्षा करने वाले सदीक्षा से इसकी भी समीक्षा परीक्षा करें कि जिनके धरपकड़ की जा रही है उन्हें कब, क्यों व किसने वीजा दिया, कोरोना के कितने टेस्ट किए जा रहे हैं व अन्य बीमारियों की इलाज व भूखे भटके लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। कृपया राहत कोष की पारदर्शिता की भी समीक्षा करें। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की संख्या लगभग आधी है। इसे लेकर खासकर सोशल मीडिया पर इनके प्रति नफरत भरे संदेशों की पार सी आ गई है। जगह जगह इनके धर पकड़ की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशालय भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े देने के लिए रोजाना जारी होने वाले बुलेटिन में इन लोगों की अलग से जानकारी दे रहा है। अलग से एक कॉलम भी बनाया गया है। इस पर भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 388 हो गई है। गुरुवार को KGMU ने 27 और मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने अब सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के 15 जिलों में उन 104 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है जहां 6 या उससे अधिक संक्रमित मरीज हैं। इन हॉटस्पॉट को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है। प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट हैं। इस दौरान यहां कर्फ्यू जैसा प्रतिबंध रहेगा। घर के बाहर कदम रखने पर पाबंदी होगी। हर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी 30 अप्रैल तक बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकेगा। 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस जारी नहीं करेगा।